सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदर को खत लिखने वाला रेफरेंस खारिज कर दिया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मुताबिक रिकॉर्ड से जाहिर होता है खत लिखते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा दबाव में थे। रेफरेंस की खबरें चलते वक्त उनके ससुर और बेटी बीमार थे। नहीं लगता सदर मुमलकत को खत लिखना कोई संजीदा मामला था। सदर मुमलकत को खत लिखना मिसकंडक्ट नहीं था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदर को खत लिखने वाला रेफरेंस खारिज कर दिया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मुताबिक रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि खत लिखते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा दबाव में थे। रेफरेंस की खबरें चलते वक्त उनके ससुर और बेटी बीमार थे। नहीं लगता कि सदर मुमलकत को खत लिखना कोई संजीदा मामला था।